मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धम्म शिक्षा। मित्रों जैसा कि आप सबको पता होगा, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और 29 सितंबर 2017 को नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन माता रानी को कुछ चीजें हैं जो चढ़ाने का विशेष महत्व है, जिसे चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न हो जाती है और माता रानी धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती है। ये मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए, क्योंकि ये मौका फिर एक साल बाद ही आने वाला है। नवमी के दिन माता रानी अपने घर जाते रहती हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। उनसे जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, माता रानी उसे जरूर पूरा करती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ माता रानी को क्या चीज चढ़ाएं जिनसे माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूंगा, माता रानी की पूजा में चावल जरूर चढ़ाएं। चावल ऐसे चढ़ाएं लेकिन कि वो सादा ना हो, मतलब उदले रंग का चावल नहीं होना चाहिए। चावल को हल्दी से आप रंग लें, रंगे हुए चावल को माता रानी को चढ़ाएं। और एक बात का लेकिन और ध्यान रखें आप, कि चावल कहीं से टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अगर चावल खंडित हो गया तो खंडित चावल को चढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिलता है। कच्चे चावल को चुन के ऐसे चढ़ाना है कि कहीं से वो चावल खंडित ना हो। आपको पूजा दुकान में इस तरह के चावल आसानी से मिल जाएंगे। और ध्यान रहे उसे रंग भी देना है हल्दी से, रंगे हुए चावल को माता रानी को चढ़ाना है। उसके बाद मित्रों बताना चाहूंगा मैं, माता रानी को पान का पत्ता अर्पित करें नवमी के दिन। नवमी के दिन माता रानी को पान का पत्ता अगर अर्पित करते हैं तो माता रानी इसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। और साथ ही पान के पत्ते पे लौंग और इलायची भी रख के माता रानी को चढ़ाएं। लेकिन एक बात का इसमें भी ध्यान रखें आप, कि पान का पत्ता कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और साथ ही उसमें डंडी लगी हुई होनी चाहिए, डंडी लगी हुई और बिना टूटे हुए। पान के पत्ते चढ़ाने का ही फायदा मिलता है, ऐसे उसका उल्टा असर होता है। तो ध्यान रहे जब भी आप पान का पत्ता कहीं से खरीदते हैं तो वो टूटा नहीं होना चाहिए, उसमें डंडी भी होना चाहिए। माता रानी का जब पूजन करते हैं, उनका जब आह्वान करते हैं, तो माता रानी का ध्यान करें और उन्हें आसन दें, साथ ही स्नान करवाएं, धूप दीप जलाएं, अक्षत कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से अर्पित करें। कभी भी पूजा करते हैं तो इन सब चीजों को एक साथ चढ़ाएं जरूर। नवमी के दिन जब आप पूजा करते हैं उस समय माता रानी के सामने घी के दिए जलाएं। और ध्यान रहे ये घी के दिए पूरी रात तक चलने चाहिए, पूरे दिन और पूरे रात तक। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से भरपूर करती हैं। साथ ही जब माता रानी का पूजा करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी जमीन पर बैठ के माता रानी की पूजा ना करें। जब भी आप पूजा करते हैं तो नीचे आसन जरूर बिछा हुआ होना चाहिए, जमीन पर बैठ के पूजा करने का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही जहाँ पर बैठ के पूजा कर रहे हैं आप, वहीं पर बैठ के पूरी पूजा को करें, इधर उधर ना खिसकें। इधर उधर खिसकने से भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो इस नवरात्रि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो ये मौका आप जाने नहीं दीजिए, क्योंकि ये मौका अब एक साल के बाद ही आना है। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते हैं धन्यवाद।